अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और रमज़ान से पहले कुछ ना कुछ तैयारी कर ली जाती है, तो मैं भी हमेशा की तरह अभी बनाने लगी हूँ जी समोसे और रोल्स। तो जिसके लिए मैदा जो है वो उसको गूंदा जा रहा है। सबसे पहले मैदे को छाना गया, उसके अंदर घी डाला गया और नीम गर्म पानी शामिल करके मैदे को मेरी भाभी जो है वो गूंद कर दे रही हैं। कह रही हैं कि डो मैं बना के दे देती हूँ, तो नेक्स्ट काम फिर तुम करना। तो बाकी जो इसमें फिलिंग होगी वो जी होगी शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी। इनको बारीक बारीक काट लिया मैंने। और ये सारा काम हम भाई धूप में बैठ कर रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है और अंदर जो है वो सर्दी लग रही थी, तो धूप में बैठ कर मज़े से सारा कुछ कटाई वगैरह ये सारी सब्जियों की कर ली गई। तो इसके साथ साथ अभी मैं शामिल कर रही हूँ मैक्रोनीस। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई चिकन मैक्रोनी वगैरह बना रही हूँ, चिकन भी शामिल करूँगी, लेकिन मेरे घर वालों को जो है ये इस तरह से टेस्ट इसका पसंद आता है, तो ये भी मैंने थोड़े से बॉईल कर लिए उनके टेस्ट के मुताबिक। तो चिकन को भी बॉईल कर लिया है और साथ उसको शर्ट कर लिया है। चिकन और शिमला मिर्च और प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई भी करूँगी, बंद गोभी को फ्राई नहीं करूँगी। और साथ ही मैंने जो आलू रख लिए थे बॉयल होने के लिए, नज़र नहीं आ रहे होंगे धुएं की वजह से। तो इसके अलावा मैं समोसे बनाऊँगी आलू वाले, वो भी इसलिए आलू बॉयल कर रही हूँ, थोड़े से आलू मैं रोल्स में भी शामिल करूँगी। अब एक खुले से बर्तन में ले लिया जी तमाम मटेरियल, जो चिकन और शिमला मिर्च थी वो हल्के हल्के से फ्राई किए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी ताकि ये सख्ती ना हो जाए, बस हल्का सा सॉटे करना है। तो बाकी सब्जियां इसमें शामिल करेंगे, बंद गोभी अब इसमें शामिल की है और फिर अब ये थोड़े से मैक्रोनीस, और अपने टेस्ट के मुताबिक जितने भी आप मसाले शामिल करना चाहें कर सकते हैं। लाल मिर्च मैंने शामिल की है, रेड चिली फ्लेक्स, खुश्क मेथी और खुश्क धनिया, नमक हसबे जायका, सब अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दिए हैं। इनको अच्छे से करेंगे मिक्स और ये जी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो होगा जी पट्टियाँ बनाना। तो इस तरह से रोटियाँ बेल ली गई हैं, अभी इसमें मैं फिलिंग कर रही हूँ रोल्स के लिए, और भाभी साथ साथ मुझे बेल बेल के दे रही हैं रोटियां, और उसमें से मैं रोल्स बना रही हूँ। इस तरह से ये बाइंडिंग कर देंगे। नेक्स्ट दूसरी साइड पे मैंने भाई को लगाया हुआ थी जी काम पे कि मुझे ना धनिया काट के दे दें अगर आप फ्री हैं तो। लीजिए जी ये तमाम रोल्स इस तरह से रेडी हो गए हैं और इनको मैं सेव कर लूँगी जी एक इस तरह से एक डिब्बे में। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं जी किसी और न्यू वीडियो के साथ। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, किस तरह से हमने ये आज की तैयारी की, आप भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।